रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ाबिया स्पेशल। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा व्हील। तो उसके लिए सबसे पहले हम गूंदेंगे पिज़्ज़े का आटा। आटा बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं गूंदती हूँ, बस थोड़ा सा पिज़्ज़े के आटे से पतला होना चाहिए। ये तकरीबन 1 किलो के करीब मैदा है। इसमें मैं अब सबसे पहले चीनी शामिल कर लूँगी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब नीम गर्म पानी में मैंने चीनी शामिल की है। 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल किया है और अब इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। पानी में नमक और चीनी शामिल हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये इंस्टेंट ईस्ट जो है ये शामिल करूँगी। ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ईस्ट लिया है और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए या इससे भी कम टाइम के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ईस्ट इसमें फूल रहा है या नहीं, एक्टिवेट हो रहा है या नहीं। चीनी और नमक के मिक्सर की वजह से ईस्ट बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है पानी में। तो जैसे ही थोड़ा सा इसमें बबल्स बनने शुरू होंगे, मैं इसको इस पानी से सिंपल आटे की तरह आटा गूंदूंगी, लेकिन मैं थोड़ा इसको पतला रखूंगी। तो इसको फ़िलहाल मैं इसी सॉस से ढक दूंगी और इसका वेट करती हूँ इसको एक्टिवेट होने का। तो पिज़्ज़े व्हील में जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे, चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, वो टोटली अप टू यू होती हैं, आपकी अपनी डिमांड पे होती हैं। इसमें मैंने प्याज लिया है छोटे साइज़ का, छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है, छोटे साइज़ का टमाटर लिया है और 1 टेबल स्पून फुल के करीब मैंने ग्रीन ऑलिव्स लिए हैं और पार्सले लिया है तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब और टूना लिया है, या इसकी जगह आप जो है चिकन भी ले सकते हैं। ये तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिए है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और बाद में इसकी टॉपिंग जब करेंगे तब इसका इस्तेमाल करूँगी मैं। और इसके साथ ही हम जो पिज़्ज़ा सॉस यूज़ होती है वो तो एक दफ़ा ही बना के रख ली जाती है पिज़्ज़ा सॉस, और काफ़ी चीज़ों में वो यूज़ हो जाती है। पिज़्ज़ा सॉस मैं यूज़ करूँगी, चूँकि मैं आम पिज़्ज़े के ऊपर यूज़ करती हूँ, वही सॉस मैं पिज़्ज़ा व्हील्स में यूज़ करूँगी। 2 मिनट में ही जो ईस्ट है वो एक्टिवेट होना शुरू हो गया है, यहाँ इसके बबल बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मुझे जल्दी है और मैंने जल्दी में बनाना है। एज़ यूजुअल मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ मुझसे इंतज़ार नहीं होता ईस्ट के फूलने तक का, तो मैं डायरेक्ट ही इस पानी से आटा गूंद लूँगी क्योंकि मुझे पता लग गया ईस्ट ख़राब नहीं है, ये एक्टिवेट हो चुका है इसके अंदर पानी में। तो अब मैं इससे आटा गूंद लेती हूँ और आटा थोड़ा मैं नरम गूंदूंगी। चाहें तो इसमें थोड़े से दूध का इस्तेमाल भी आप आटे में कर सकते हैं और लास्ट में बिल्कुल आप तेल यूज़ करें, तकरीबन 1 हैंडफुल तेल का यूज़ करें। तकरीबन 2 ग्लास पानी इसमें यूज़ होगा, इससे ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होगा। 1 ग्लास जो हम मिक्सचर वाला पानी था ईस्ट वाला और दूसरा ग्लास सिंपल नीम गर्म पानी। बस थोड़ा सा हमने बस पतला रखना है मटेरियल और इस डो को बनाने के लिए जो ऑयल यूज़ होगा बिल्कुल लास्ट में। चाहे तो इसमें आप थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं, उससे जो डो है वो और अच्छी और फ्लफ़ी बनेगी, लेकिन मैं इसमें दूध शामिल नहीं कर रही, मैं अपने तरीके से ही जस्ट इसको जल्दी जल्दी ऐसे ही डो बना रही हूँ। क्योंकि मैदा हाथों पे चिपकता है तो इसलिए लास्ट में बिल्कुल मैं इसमें ये तकरीबन 1 हैंडफुल ऑयल जो है वो यूज़ करूँगी। चाहे तो इससे कम भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। बन चुकी है बिल्कुल, देखिए कितनी सॉफ्ट सी है। अब मैं इसके आटे को रख दूँगी तकरीबन ढक के 10 मिनट के लिए, हार्डली 10 मिनट्स के लिए। तो जैसे ही आटा राइज होगा उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करूँगी। तो डो हमारी तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने उठा के दिखाया है, देखिए अच्छे से राइज हो चुकी है। तो अब मैं इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाऊंगी और जिस तरह से मुझे चाहिए है, जितनी बड़ी रोटी मैंने बनानी है उसकी एक रोटी बनाती हूँ और आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने तकरीबन इतना बड़ा एक पेड़ा लिया है और इसकी मैं एक बड़ी सी रोटी बनाती हूँ। इसकी मैंने इतनी बड़ी सी एक रोटी बना ली है। अब इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस या कोई भी टमाटो सॉस आपको जो पसंद हो वो सॉस इसके ऊपर लगाएं। मैं इसके ऊपर ये सॉस लगाती हूँ इस तरह से। ये सॉस अब मैं पूरी तरह से इसके ऊपर सारे साइडों तक लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा हमने लिक्विड ही नहीं करना इसको, जस्ट इतना कि एक माइनर सा टेस्ट आ जाए, लाइट सा, और लाइट सा इसके अंदर कलर आ जाए। इसको सिनेबोन हार यानी स्पाइसी सिनेबोन भी कहते हैं,
जो कि आजकल यहाँ लीबिया में बहुत ट्रेंड है। यहाँ यूजली सिनाबोन जो है वो मीठे में ही खाया जाता है, लेकिन आजकल यहाँ पे ये पिज़्ज़ा व्हील को सिनाबोन हार के नाम से कह के ये लोग आजकल वो बहुत सेल कर रहे हैं मार्केट में। अच्छी तरह से मैंने सॉस लगा दी है। अब जो ये सारा मटेरियल है इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, आपस में इकट्ठा मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मटेरियल हम इसमें से नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ही लगाएंगे, और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ। तमाम जो वेजिटेबल्स थी वो भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर चुकी हूँ। अब आप चाहें, ये टोटली ऑप्शनल है, थोड़ा सा चीज़ मोज़रेला और शेडर चीज़ आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें लगा देंगे तो बिल्कुल जिस तरह पिज़्ज़ा होता है उस तरह बन जाएगा, हमें पिज़्ज़ा इसको नहीं बनाना, तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हमने बहुत कम रखना है, बहुत लाइट लाइट सा रखना है। ओके, अब हम इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे, क्योंकि मैंने खुश्का ज़्यादा नहीं लगाया था, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है इसको फोल्ड करने में। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ और साथ ही इसको ट्रे में रखती रहती हूँ। ट्रे को मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया है ऑयल लगा के, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने आटा स्प्रिंकल कर दिया ताकि जो जब वो चिपके ना ऑयल और ट्रे के साथ। बहुत ही ध्यान से इसकी कटिंग करेंगे और एक एक पीस इस तरह से हम उठाकर, तो साथ ही मैं ट्रे में रख दूंगी। इस तरह से पीस हम ट्रे में रखते जाएंगे। मैंने तमाम इस तरह के जो ये व्हील्स हैं यहाँ पे काट के लगा दिए हैं। अब इसकी साइडों पे और ऊपर हल्के हल्के से ब्रश की मदद से अंडा लगा दें। ये तकरीबन मैंने दो रोटियाँ इस टाइप की बेल के दो रोल्स बनाए थे, और इन दो रोल्स में से ही बने हैं। जितना मैंने आटा गूंदा था उसमें से तकरीबन 3 से 4 रोल्स आपके बहुत आसानी से इस तरह के बड़े बड़े बन सकते हैं। इन तमाम व्हील्स पे अंडा मैं लगा चुकी हूँ। अब थोड़े थोड़े से तिल या कलौंजी दाना या जो ओरिगैनो है वो आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बनेंगे। आटा मैंने बहुत ही आसान तरीके से गूंदा है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स यूज नहीं किए आटा गूंदने के लिए, जस्ट सिंपल एंड ईजी जो मेरा वे है आटा गूंदने का उस तरीके से मैंने आटा गूंदा है। हाफ में मैंने जो है वो शामिल कर दिया है तिल, और हाफ में मैं ये ओरिगैनो शामिल करूंगी। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है। ये भी थोड़ी सी मैसी हुई है मेरी ट्रे, बट इट्स ओके, ये सब जो है ड्राई होने के बाद ठीक हो जाएगा। और अब मैं इसको बेक होने के लिए रखती हूँ, और उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसकी एक लुक दिखा दूँ, कितनी अच्छी तरह से ये फूल चुके हैं और अच्छी तरह से पक रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर में ऊपर का ओवन जो है वो ऑन कर दूंगी ताकि ऊपर से रेड हो जाएं। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मैं ऊपर का ओवन चला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर से रेड हो जाएं। हम बहुत ज़्यादा देर रखेंगे तो ये ऊपर से काले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ये पिज़्ज़ा व्हील्स बन के तैयार हैं। अब मैं इनको बाहर निकालती हूँ सर्विंग डिश में सर्व करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो तैयार है हमारे यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त से बने हुए सॉफ्ट और झटपट से बने हुए पिज़्ज़ा व्हील। ये वो हैं जो मैंने इसमें तिल लगाए हैं, पीछे से भी इसकी लुक देख सकते हैं, बिल्कुल जले नहीं और बहुत अच्छे से पक के तैयार हुए हैं, और कितने सॉफ्ट हैं ये। तो और ये वो हैं जिसके अंदर मैंने ओरिगैनो लगाया था, जिसके ऊपर से ओरिगैनो स्प्रिंकल किया था, और ये थोड़े से वो पीसेस से जो मिडिल का पीस था थोड़ा सा फ्लैट हो गया था। इसकी भी शेप देखें कितनी अच्छी आई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।